पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे गोरखनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बढ़नी और नौतनवा से विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें एक ट्रेन बढ़नी से गोरखपुर आरक्षित मेला विशेष गाड़ी चलाई जाएगी, जिसका शेड्यूल 13 से 16 जनवरी के बीच शाम 7:10 पर गोरखपुर से प्रस्थान करेगी, जो नकहा स्टेशन से होकर कौड़िया जंगल, मानीराम, पीपीगंज, महावनखोर, कैंपियरगंज, आनंद नगर, लेहड़ा, ब्रिजमनगंज, उसका बाजार, सिद्धार्थनगर, अहिरौली, शोरतगढ़, परसा, महादेवा, बुजुर्ग होते हुए रात्रि 11:15 पर बढ़नी पहुंचेगी। इसी प्रकार से वापसी यात्रा में बढ़नी गोरखपुर मेला विशेष गाड़ी 14 से 17 जनवरी 5:15 पर प्रस्थान करेगी, जो शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर, कैंपियरगंज, महावनखोर, रामचौरा, पीपीगंज, मानीराम स्टेशन पर रुकते हुए 10:15 गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचेगी। इसके साथ ही साथ गोरखपुर नौतनवा के बीच में विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, गोरखपुर से 2:30 प्रस्थान करेगी, जो नकहा जंगल, मानीराम, पीपीगंज, रामचौरा, कैंपियरगंज, आनंद नगर, लोक विद्यापीठ नगर, पुरंदरपुर, झामत, लक्ष्मीपुर, बरवाकला होते हुए नौतनवा पर पहुंचेगी। इसी प्रकार से गोरखपुर नौतनवा अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी 13 से 16 जनवरी के बीच रात्रि 8:00 नौतनवा से होते हुए कैंपियरगंज, पीपीगंज, आनंद नगर, मानीराम चौराहा होते हुए रात्रि 10:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। यह व्यवस्था पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा की गई है, जिसमें से जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा 2 ट्रेनों का मगहर में और नकहा स्टेशन पर अतिरिक्त स्टॉपेज भी दिया गया है। इसमें 12531 और 12532, जो कि गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी का मगहर रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। इसके अलावा 15069 और 15070 गोरखपुर ऐशबाग के बीच जो ट्रेन चलती है, उसका 13 से 16 जनवरी के बीच में 1 मिनट का स्टॉपेज नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे सिवान, नरकटियागंज, अयोध्या, नौतनवा से जो रेगुलर पैसेंजर चल रही है, उसमें भी अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु यहां पर आएंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में श्रद्धालु अलग अलग स्थानों से आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बढ़नी और नौतनवा से गोरखपुर के लिए विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें से एक ट्रेन है जो 05025 गोरखपुर बढ़नी और 05026 बढ़नी से गोरखपुर अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी, ये चलाई जाएगी। इसका शेड्यूल अगर बताएं तो 13 से 16 जनवरी के मध्य यह गाड़ी गोरखपुर से 19:10 पर प्रस्थान करेगी और नकहा जंगल, मानीराम, कौड़िया जंगल, पीपीगंज, रावतगंज, महावनखोर हॉल्ट, रामचौरा, कैंपियरगंज, लोहरपुर व आनंद नगर, लेहड़ा, बिजमनगंज, उसका बाजार, सिद्धार्थनगर, अहरौली, चिलिहा, शोहरतगढ़, महता बाजार, परसा तथा महादेवा बुजुर्ग होते हुए 23:15 पर बढ़नी पहुंचेगी। इसी प्रकार से वापसी यात्रा में 05026 बढ़नी गोरखपुर मेला विशेष गाड़ी 14 से 17 जनवरी के मध्य बढ़नी से 5:15 पर प्रस्थान करेगी और जिन स्टेशनों का मैंने नाम बताया उन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए 9:45 पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 तथा SLR के 2 कोच सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे। साथ ही साथ गोरखपुर नौतनवा के बीच भी ट्रेन चलाई जा रही है, विशेष ट्रेन 05015
जो कि 14 से 17 जनवरी के बीच गोरखपुर से सुबह 2:30 पर प्रस्थान कर नकाहा जंगल, मानीराम, कौड़िया जंगल, पीपीगंज, रावतगंज, महान खोर हॉल्ट, रामचौरा, कैंपियरगंज, लोहरपुरवा, आनंद नगर, लोक विद्यापीठ नगर, पुरंदरपुर, झामट, लक्ष्मीपुर, भागीरथपुर, नई कोट, बरवा कला होते हुए नौतनवा 5:15 पर पहुँचेगी। इसी प्रकार से 0:50 नौतनवा गोरखपुर अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी 13 से 16 जनवरी के बीच नौतनवा से 20 प्रस्थान कर एंड विभिन्न स्टेशनों जिनका मैंने जिक्र किया लगभग सभी स्टेशनों पर रुकते हुए गोरखपुर 22:55 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 2, 8 और पावर कार 2 समेत कुल 10 कोच लगाए गए हैं। तो ये व्यवस्था की गई है जिससे जो श्रद्धालु दर्शन करने आए उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त 2 ट्रेनों का मगहर में और नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पे इस दौरान 13 से 16 जनवरी के मध्य एडिशनल स्टॉपेज दिया गया है। इसमें 1:25:31 और 1:25:32 जो कि गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस है इसका मगहर रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है 1 मिनट का, और 1:50:69 1:50:70 गोरखपुर ऐशबाग के मध्य जो ट्रेन चलती है उसका 13 से 16 जनवरी के बीच में 1 मिनट का स्टॉपेज नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। इसके साथ ही हम लोग जो सिवान, नरकटियागंज, अयोध्या और नौतनवा से जो पैसेंजर रेगुलर चल रही हैं उसमें भी एडिशनल कोच लगाने का निर्णय लिया है जिससे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।